हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आसन निकोण। आसन निकोण जैसा कि हिंदी में देख रहे हो आप लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। साथियों, इसको हम आपको बुक की हिसाब से परिभाषा भी बताएंगे और प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। कभी ज़िंदगी में नहीं बोलोगे आसन निकोण, बस 3 मिनट देख लेना। देखिए, एक ऐसा कोण जिसमें एक कॉमन शीर्ष होता है, शीर्ष मतलब होता है वर्टेक्स, ठीक है, और उसके साथ साथ उसमें कोई एक भी भुजा जो है वो कॉमन होती है। एक भुजा कॉमन होना जरूरी है, मस्ट है, और एक शीर्ष यानी वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, लेकिन आप उभयनिष्ठ नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैंने हर जगह इंग्लिश वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो एक भुजा कॉमन हो, एक शीर्ष कॉमन हो, तो वो आसन निकोण कहलाता है। लेकिन उसमें एक शर्त होती है कि भैया, इन दोनों के होते भी कभी कभी वो आसन निकोण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तीसरी शर्त है कि कॉमन भुजा के दोनों तरफ एक एक भुजा होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई किनारे वाली भुजा कॉमन कर दो भैया, दोनों किनारे कर दो, ऐसा नहीं होगा। कॉमन वाली भुजा हमेशा बीच में रहेगी, बाकी उसके किनारे किनारे एक भुजा होनी चाहिए। ये परिभाषा में नहीं समझ पाए होंगे तो प्रैक्टिकल देख लो कैसे होता है। देखिए, अब आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकली देखिए। साथियों, ये यहाँ आपके सामने दो त्रिभुज बने हुए हैं ना, आप देख रहे हो। इसमें दो वर्ड यूज हुआ था, एक शीर्ष यूज हुआ था जिसे इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, और एक वर्ड यूज हुआ था भुजा। भुजा आप सभी जानते हो, भुजा मतलब साइड, है ना। तो देखो, वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पर दो या दो से अधिक भुजाएं आकर के मिलती हैं या दो से अधिक रेखाएं आके मिलती हैं, वही शीर्ष या वर्टेक्स कहलाता है। जैसे ये मैंने एक, मान लो ये बिंदु ले लिया, यहाँ से ढेर सारी भुजाएं आके मिल रही हैं, यहाँ से निकल रही, तो ये वर्टेक्स है। जहाँ से उनका मतलब शुरुआत हो रही रेखाओं की, जहाँ से निकल रही वही वर्टेक्स है। तो उसी तरह से यहाँ अगर हम देखें तो ये वर्टेक्स है, ये शीर्ष है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीनों रेखाएं यहीं पर आके मिल रही हैं, समझ गए। तो आसन कोण की परिभाषा क्या देखा था कि एक ऐसा कोण, मतलब सॉरी एक नहीं, आसन कोण के लिए दो कोण होने चाहिए ना, तभी तो दो कोण आसन होंगे या एडजेसेंट एंगल होंगे। तो दो कोण आसन कोण होंगे कब, जब उनके शीर्ष एक ही हों और उनमें कोई एक भुजा कॉमन हो। तो भैया, इनका शीर्ष जो है दोनों का एक ही है। क्यों? क्योंकि ये जो कोण बन रहा है, देखो OBC या फिर BOC अगर देखो, यानी दूसरा वाला कोण, तो इसमें रेखा OB क्या है, यूज हो रही ना, और शीर्ष यही है O। लेकिन अगर हम देखें AOB इधर वाला कोण देखें, तो इसमें भी हम यही शीर्ष का यूज कर रहे हैं, शीर्ष कॉमन है। और एक भुजा B वाली देखो, बीच वाली ये OB, ये भुजा भी दोनों में कॉमन है। क्यों? क्योंकि बिना इस भुजा के दोनों अधूरे हैं, इसको मिलने से ही पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, कोण एक और कोण दो जो है ये आसन्न कोण है, आसन्न कोण है। क्यों? क्योंकि इनका शीर्ष O दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इनकी भुजा OB जो है ये भी क्या है, दोनों में कॉमन है या उभयनिष्ठ है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली और देख लो अच्छे से। देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मैंने एक रजिस्टर लिया अपने हाथ में, ध्यान से देखना आसन्न कोण क्या होता है, और मैंने इसको यूँ खोला ऐसे, ध्यान दो, उड़ने ना पाए ये, ऐसे खोला ये, मतलब जाने दो इसको, इधर से उड़ रहा है। एक मिनट रुके रहो भाई, कुछ दिख तो नहीं रहा है। हाँ चलो, ऐसे तीन भाग में खुला है ना, ये तीन भाग में खुला है। अब ज़रा गौर करो, जो मैं बीच वाली ये पकड़ा हूँ, ये इतना पेज, ये कॉमन है कि नहीं दोनों में। अगर दोनों के द्वारा हम कोण बनाएं, अगर मान लो देखो उड़ रहा है एक इधर, ये इतना एक कोण हो जाए ये, और एक कोण ये हो जाए, तो दोनों में ये कॉमन हो रहा है ना, कॉमन है ना। और ये मान लो एक भुजा है, और ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों यहीं से तो निकल रही ना, एक ही जगह से निकल रही ना। तो क्या है ये, इस तरह से अगर जो कोई कोण बनेगा तो आसन्न कोण कहलाएगा। उसी तरह वहाँ पर भी आपके सामने है, समझ गए ना। तो ये था आसन्न कोण। चलिए कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपके सामने दो आकृति दिख रही है, दो चित्र दिख रहा है। साथियों, इसमें AB कोण बन रहा है ना, देखो इनकी जो भुजाएं हैं OB, बीच वाली भुजा OQ, ये दोनों में कॉमन है ना, इनका वर्टेक्स एक ही है, दोनों की जो भी भुजाएं निकल रही एक ही जगह से निकल रही, यानी कि कोण A और कोण B क्या है, आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। लेकिन इसमें भी है क्या? नहीं है, ये आसन्न कोण नहीं है। क्यों क्यों नहीं है भाई? इसमें भी तो भुजा, ये जो वाली भुजा जो देख रहे हो O और ये P, मान लो OP तो कॉमन है ना, कॉमन है ना। देखो, ये कोण बन रहा है तब भी इसका यूज हो रहा है, ये बन रहा है तब भी इसका यूज हो रहा है। फिर कहोगे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इसका वर्टेक्स कॉमन नहीं है, इसका शीर्ष जो है वो कॉमन नहीं है।
क्यों? क्योंकि देखो इसका ये जो दो भुजाएं यहाँ से निकल रही और एक भुजा यहाँ से निकल रही, तीनों एक ही जगह से निकलनी चाहिए, तभी दो कोण क्या होंगे, आसन्न होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो वो आसन्न नहीं है, ये आसन्न कोण है, समझ गए ना। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, अगर Facebook पर हैं तो पेज को लाइक करें, डिस्क्रिप्शन चेक करें, वीडियो को बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिंक दी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट कह रहा कि क्या कोण AOC कोण AOE का आसन्न है, बताइए है कि नहीं है, सोचो नहीं है। ये इसको मैं बोल रहा हूँ ये नहीं है, क्यों? अब आप लोग बड़ा हैरान हो जाओगे, भैया ऐसा क्यों है, ये दोनों आसन्न क्यों नहीं है। हाँ, अगर आप बोलोगे कोण वन और कोण टू ये आसन्न है, तो कोण एक और कोण दो आसन्न हैं, लेकिन अगर कहें कि कोण AOC और AOE ये दोनों आसन्न हैं तो नहीं है। क्यों नहीं है, ज़रा ध्यान से देखो। अगर हम बात करेंगे कोण एक और कोण दो की, तो कोण एक के लिए हम ये यूज करेंगे जो हमारे हाथ के बीच में स्पेस आ रहा है, कोण एक के लिए इतना यूज करेंगे ना। कोण दो के लिए क्या यूज करेंगे, ये इतना जो स्पेस हमारे हाथ के बीच में आ रहा है, तो ये आसन्न कोण है। क्यों? क्योंकि भैया इनका वर्टेक्स एक ही है और इनकी यानी शीर्ष एक है और इनकी बीच वाली भुजा कॉमन है, वो भी एक ही है, इसलिए आसन्न है। लेकिन AOC और AOE आसन्न क्यों नहीं है, ज़रा देखो। अगर हम बात करेंगे AOC की, तो AOC मतलब ये यूज करेंगे ना, ये ना, है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे AOE की, तब तो हम फिर ये यूज करेंगे जो रेड वाला खींच रहा हूँ, ध्यान देना। AOE में हम रेड वाली लाइन यूज करेंगे, तो भैया इसमें कामन भुजा का कोई प्रयोग ही नहीं है। फिर बोलो, कामन भुजा जो है वो यूज होनी चाहिए, तभी तो आसन्न होगा ना। इनको तो गर्ज है भैया AOC को, AOC को बीच वाली लाइन की महत्व है, मतलब होनी चाहिए तभी बनेगा AOC, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन AOE कह रहा ये रहे चाहे जाए बाहर में, हमें तो इसका काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि AOE बनाने में इस बीच वाली साइड का कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये कॉमन है ही नहीं। ये दोनों में कॉमन है? नहीं कॉमन है। क्यों? क्योंकि AOC बनाने में OC का काम लग रहा है, लेकिन AOE बनाने में OC भुजा का कोई काम नहीं है, ये कॉमन नहीं है। इसलिए ये दोनों अगर ऐसे पूछा जाए तो आसन्न नहीं होंगे, याद रखना। ये मैं आपको थोड़ा गहराई से बता दे रहा हूँ। दोस्तों 7th क्लास की मैथ आप पढ़ रहे हैं NCERT, अगर आपने कोर्स को ऐप में लिया है तो नोट्स अवश्य बनाएं। अगर आप इसे YouTube पर डेमो के रूप में देख रहे हैं तो निवेदन होगा चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर देखें, इस तरह से आपको बहुत सारे वीडियो PBR स्टडी के चारों चैनल पर मिलते रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना, अभी वहाँ पर आपको सब कुछ लिखा होगा।